ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 15/9/2024 है। रिवाइज डेट है 31/12/2001। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते, लेकिन आप सभी नवयुग मना रहे हो, बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो, नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है, और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है, थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएंगी, आत्मा भी नए वस्त्र शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होंगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग याद आ रहा है ना, नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष ही याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नवे नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नव वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप द्वारा दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो, ब्लेसिंग्स, यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसे भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकता है, स्वभाव भी बदल सकता है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ है स्व माना आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना ही दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे, स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष ही मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान किया है वो? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं ऑनलाइन, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो विश्व, तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं, अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट देखी। क्या देखा, जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गई हैं, डबल फॉरेनर्स भी बाबा कहते हैं कि वो रिजल्ट जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना डॉट 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 क्या कहे बाबा, खुद ही आप खुद ही बोलो, बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं
कि सर्व खजाने जमा करने का समय अभी ही संगम युग है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है, कौन सा स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं ना, ये स्लोगन दिमाग में बहुत याद है ना, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है, याद भी तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सर्व को श्रेष्ठ बना सकते हो उसमें अभी और ही अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत ही सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। संकल्प की शक्ति, जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचना चाहे एक सेकंड में पहुँच सकता है और पहुँचा सकता है। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे बाबा कहते हैं यह रॉकेट भी क्या है। रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम को बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। इस साल का 2001 साल का टाइटल था सफलता भव का वर्ष। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना, सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मुहूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती है, सुनना कम चाहती है, लेकिन अनुभूति ज़्यादा करना चाहती है। अनुभूति का आधार है खजानों का खाता जमा करना। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सर्व खजाने जमा कितने किए हैं, जमा का खाता निकालो, पोतामेल निकालो। एक मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की गति फास्ट है ना, कितने सफल हुए और कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना या नहीं है, सबके पास चेकिंग करने की मशीन है। टीचर्स के पास है आपके सेंटर पर, जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है। बाबा बहनों को भी पूछ रहे हैं, डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बड़े बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग की मशीन है, सबके पास है, कोई के पास नहीं है तो एप्लीकेशन डालो कि हमें चाहिए करके। जैसे कहा ऑफिस खोलते हो तो पहले सोचते हो ऑफिस बनाने के पहले, आजकल के ज़माने में क्या क्या चाहिए ऑफिस के साधन, कंप्यूटर चाहिए, फिर लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, ईमेल चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन वाला प्रिंटर चाहिए चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीनरी है, मशीन्स हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए, मैं एवर रेडी हूँ, आई एम एवर रेडी विनाश के लिए। समय भी बार ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार है, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प
हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वो वाह वाह हो। हाय हाय नहीं, वाय वाय नहीं, वाह वाह। अभी कोई समय वाह वाह होता है और कोई समय वाह के बजाय वाय हो जाता है, कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह। और जिनके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वो क्या है? सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, रूहानी मुस्कुराहट हो। दूसरा बाबा कहते हैं, मुख में सदा ही मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना न हो। अटेंशन, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा ही शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो तो यह कर सकते हो, टीचर्स ये कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ रिट्रीट चल रही थी, अनुभव भी बहुत अच्छे। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, पदम गुना मुबारक हो। बाप दादा खुश हैं। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने हैं, लेकिन अब इस अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना, फॉर एवर के लिए बाबा कहते हैं ये वरदान कायम रखना। कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ 3 मास के बाद, फॉरेन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या तो होगा वो, या जो होगा परसेंटेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी, छोटे छोटे बच्चे भी ताजधारी बन करके बैठे हैं, ताज पहने हुए हैं। आपको तो ताज मिलेगा, इनको अभी मिल गया, खड़े हो जाओ। अच्छा, देखो ताजधारी ग्रुप को देखो भाई, बच्चे सदा दिल के सच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को बाबा अप्रिसिएट कर रहे हैं, सदा ही दिल के सच्चे होते हैं। सच्चे दिल वाले होना अच्छा है। बच्चों के रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी है, मुबारक हो। अच्छा, डबल फॉरेनर्स, इन्हों के पत्र और चिटकियाँ भी देखी, लेटर्स, उमंग की चिटकियाँ हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो भी चुटकियों में कोई कोई में है, जो चुटकियों में है कोई कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन अच्छा नहीं लगता है और दूसरा दिल शिकस्त होना भी अच्छा नहीं लगता है, नाराज होना बाबा को अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी हो जाए अपने दिल को बड़े रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा ही उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएं जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएं। वाह, आना है, वो भी दिन आना है, जल्दी आना है, आना है ना, वो दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन, जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी, तो बोलो बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर करके दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, तो ऐसे हो ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, यह सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित्त मात्र सिंधी है लेकिन है तो ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो। तो बच्चों ने जवाब दिया, बाबा हम आपका नाम रोशन करेंगे। अच्छा,
कब करेंगे? हाँ, तो बच्चों ने जवाब दिया, बाबा इस वर्ष करेंगे हम आपके मुख में गुलाब जामुन। हाँ, हिम्मत वाले हैं। हाँ, तो उन्होंने, बच्चों ने जवाब दिया, बाबा आपका वरदान साथ में है। अच्छा, वरदाता तो है ही साथ में, तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं उठो, जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं, आए पीछे है लेकिन जाना आगे है, इतना आगे बढ़ो जो सब आपको दे करके खुश होवे। सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वाले वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना, फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति अति प्यारे हैं। फिर भी बहुत अकल का काम किया है, टू लेट के पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है, रहने का पलंग या पट तो मिला है ना, और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा ना तो क्यू में खड़ा करना होगा पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया। अच्छा, बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी, चारों ओर के सफलता के सितारों को नए वर्ष की विदाई और नए वर्ष पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय पर, संगम समय विदाई भी है और बधाई तो सदा सफल है और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा की अति सिक्की लदे, अति प्यारे अति मीठे नैनों के नूर हो, सब नंबर वन बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना, कदम गुना अरब खरब गुना, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को, डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। तो ऐसे विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य के मेकर, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को, बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा में भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वो माया से बचे रहते हैं, माया भी देखती है इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वो वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही मायाजित बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन के नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। ज्ञान और योग को अपनी जीवन की नेचर स्वभाव बना दो, बाबा कहते तो पुराना स्वभाव जो है आपका वो बदल जाएगा। तो आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस्य संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणिबन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाए, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दे, मनसा सेवा करे। तो ऐसे सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे।